हेलो एवरीवन। सो था ना जो आगे का क्लिपिंग आपको दिखाया, एक्साइटिंग। सो अभी ये प्रोसेस के बाद और भी डिटेल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो कल जो मैंने वीडियो एंड किया था, जब मेरे को यहाँ पे ये लोग नोट्स बना बना के जोकर बना रहे थे, वहाँ पे एंड किया था। एंड अभी सारी नोट्स बनाने के बाद धीरे धीरे एक एक नोट को खोलते हुए उसके छोटे छोटे पार्ट्स लेके उस पर क्रीम अप्लाई करके द प्रोसेस स्टार्ट्स। तो मैं आपको साइमल्टेनियसली मैं बताती भी रह रही हूँ। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ये केराटिन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ ये प्रोफेशनल्स ही करते हैं तो उनके पास ही मिलेंगे। अगर आप खुद से रिस्क लेंगे तो आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है, अगर बाल हो तो 10 तरह की हेयर स्टाइल बना सकते हो, लेकिन अगर बाल ही उड़ जाएंगे तो क्या करोगे। इसलिए पूरा प्रिकॉशन लेते हुए आपको करना है। एंड ये जब क्रीम लगाते हैं तब इतना ज़्यादा आपको जलन नहीं होता है, लेकिन जब स्ट्रेटनिंग करते हैं या ब्लो ड्राई करते हैं तो उसकी वजह से आँखों में बड़ी जलन सी होती रहती है कि आँखों में पानी भी आ जाता है। मैं तो थोड़ा इस चीज़ में ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो जो टेक्नीशियन है वो भी बोल रहे थे, मैडम आप तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इतना आपको मतलब पानी भी निकल रहा है, आँखों से आंसू भी आ रहा है। तो दिस वॉज स्टार्टिंग। और उसके बाद में तो मैंने बीच में कैमरा नहीं लगाया था, लेकिन जब स्ट्रेटनिंग करते हैं वो क्रीम अप्लाई करने के बाद में, तब वो जो धुआं निकलता है वो आँख में जाता रहता है, तो टेक्नीशियन को भी वो जो है जलन होती है। लेकिन एवरीडे वो इसी काम में रहते हैं तो उनको थोड़ी आदत पड़ जाती है, सो थोड़ा यूज़ टू हो जाते हैं वो। बट हम लोग तो रेयरली करते हैं तो हमको थोड़ा ज़्यादा लगता है। यहाँ पे ये जो क्रीम है, इस वाले केराटिन में मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। जो जनरली दूसरी केराटिन क्रीम होती थी वो कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी गाढ़ी भी रहती थी एंड क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती थी। इसकी कंपैरेटिवली कंसिस्टेंसी जो है इतनी पेस्ट टाइप नहीं थी, थोड़ी सी लिक्विडी, नॉट वेरी सॉलिड नॉट वेरी लिक्विड, मीडियम कंसिस्टेंसी में था एंड क्वांटिटी भी बहुत कम लग रहा था। यहाँ पे मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, इन्होंने जब वो साथ साथ जो है यहाँ के जो पार्लर के भैया हैं उनको भी एक्सप्लेन कर रहे थे, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी भी ले लेते हो तो जब आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो स्ट्रेटनिंग सही से नहीं आती है, तो आपको प्रॉपर क्वांटिटी में जो इसका क्रीम है वो लेना है। क्योंकि जब क्रीम लगती है उसके बाद जब स्ट्रेटनिंग शुरू होती है तो स्ट्रेटनिंग के जो मिशन है वो फंसती रहती है। अगर आपने ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रीम लगा दी है तो करेक्ट क्वांटिटी में प्रॉपरली इक्वली डिवाइड करते हुए आपको पूरा उसको स्प्रेड करना होता है। तो पहले देखिए उन्होंने क्रीम लगाई है और उसके बाद कोम से उसको इक्वली डिवाइड किया है, और पूरा डिवाइड करने के बाद लगाने के बाद ही विल डू स्ट्रेटनिंग। तो पहले मैंने मास्क नहीं लगाया था, उसके बाद मतलब मैंने मास्क लगाया था फिर बीच में निकाल दिया, फिर इतनी ज़्यादा आँखों में जलन हो रही थी और यह सब हो रहा था तो फिर मैंने मास्क भी लगाया। मतलब आँखों के ऊपर का मास्क तो नहीं है, पर फिर भी मैंने बोला थोड़ा लगा लेते। और बाद में फिर मेरे को एलोवेरा, आइज़ के ऊपर एलोवेरा लगाने का एक था आई रिलेटेड कुछ, वो भी दिया था उन्होंने, वो भी मैं लगाऊंगी। वो मतलब डीप फ्रीज में से निकाला हुआ तो बहुत ठंडा ठंडा था, सो दैट इज़ अ थिंग। तो इस प्रोसेस में मेनली जो काम होता है करेक्ट क्वांटिटी में क्रीम लगाना एंड उसके बाद बिल्कुल भी आलस ना करते हुए प्रॉपर स्ट्रेटनिंग करना विथ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टीशन। बहुत सारे जो लोग हैं, मैंने अभी रिसेंटली भी देखा है, बहुत लोग केराटिन करवा के आए हैं या रिबॉन्डिंग करवा के आए हैं या स्मूदनिंग करा के आए हैं, उनके वॉश के बाद जो है फिर से कर्ल्स आ जा रहे हैं या तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जा रहे हैं जले जले से। वो ओनली कारण है कि क्रीम करेक्ट क्वांटिटी में नहीं लगाना और उसके बाद या तो ज़्यादा देर क्रीम को छोड़ देना। मतलब हर किसी प्रोसेस का, इस ट्रीटमेंट का, हेयर से रिलेट का एक टाइम पीरियड रहता है। अगर 30 मिनट्स रखना है तो आपको 35 मिनट्स नहीं रखना है, यू हैव टू बी वेरी शार्प ऑन टू द टाइम कि आपको उस टाइम पे निकाल देना चाहिए। यहाँ पे अभी क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टीशंस लेने होते हैं तो टेक्नीशियंस, दो टेक्नीशियन तो पक्का लगने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर हेयर। एंड अभी देखो मैं आँखों पे वो लगा रही हूँ एलोवेरा का, वो थोड़ा जलन कम हो रहा था क्योंकि जब दोनों डायरेक्शन से स्ट्रेटनिंग हो रही थी तो वो जो उसमें धुआं निकलता है जब स्ट्रेटनिंग करते हैं आँखों में जा रहा था, तो वो क्रीम की वजह से थोड़ी जलन हो रही थी। मतलब बेयरेबल जलन है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल झेल नहीं पाओगे। यहाँ पे
देखिए पूरे बालों के स्ट्रेटनिंग हो चुके हैं सामने से एंड पीछे भी अभी थोड़ा सा करेंगे। तो मेरा क्राउन एरिया में बहुत हेयर फॉल हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे आपको दिखेगा बाल कम है करके, वो मुझे भी पता है, फिर भी लोग पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि वहाँ पे बाल नहीं है, गंजे हो। ऑफकोर्स जो है सो है, मैं ऐसा तो नहीं है ना कि हाइड कर रही हूँ। सो ग्रेजुअली हम जब कुछ उसके लिए प्रिकॉशन लेंगे तभी तो धीरे धीरे होगा ना। तो मैं उसके लिए भी नॉर्मली जो मल्टीविटामिंस होते हैं हेयर से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड पिल्स भी ले रही हूँ ताकि जो क्राउन एरिया में हेयर लॉस हो रहा है वो बेटर हो जाए। बट ये फ्रिजीनेस की वजह से वो और भी अजीब सा दिख रहा था करके मुझे इमिडिएटली आके कराना पड़ा बिकॉज इट वॉज़ वेरी मच नीडेड। सो अभी फ्रंट में हो गया है, पीछे फिर से एक बार मतलब छोटे छोटे पार्ट्स लेके पूरा कर दिया है। अभी थोड़े से एक बार फिर से टचअप, मतलब बोलते हैं ना पूरे बालों का, एक बार थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके एक बार फिर कर देंगे और उसके बाद थोड़ी देर में दे विल वॉश। पूरा स्ट्रेटनिंग करने के बाद अभी आपको एकदम ड्राई दिख रहे हैं, तो ये वॉश के बाद नहीं, ये क्रीम अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर स्ट्रेटनिंग करिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ड्राई हो चुके हैं बहुत सारे। उसमें क्या होता है, क्रीम के ऊपर जब प्रॉपर स्ट्रेटनिंग नहीं होती है तो बहुत स्टिकी वाला इफेक्ट आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। लगे हैं अप्रॉक्सीमेटली पूरा स्ट्रेटनिंग करने में, और स्ट्रेटनिंग करने के बाद ये थोड़ा डिफरेंट केराटिन है। जनरली केराटिन में 2 दिन आना पड़ता था इससे पहले जब मैंने कराया था, लेकिन अभी क्या है, जो लिक्विड लगाया उसके बाद स्ट्रेटनिंग करी है, स्ट्रेटनिंग में ज्यादा एफर्ट डाला है एंड उसके बाद बस 10 मिनट रुकना है और उसके बाद हेयर वॉश कर देना है। अदरवाइज जो हेयर वॉश होता था दूसरे प्रोडक्ट्स में नेक्स्ट दिन आना पड़ता था, बट दिस इज इंस्टेंट वाला। तो जो प्रोडक्ट्स मतलब केराटिन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स जो ये यूज़ करें वो तो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में जो आपको शैम्पू कंडीशनर जो भी सीरम्स है वो यूज़ करने हैं उसके तो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। सो मैं आपको मतलब दिखा भी दूंगी प्रोडक्ट कौन से हैं। अगर आपको केराटिन ट्रीटमेंट लेना है तो ऑल ओवर इन डिफरेंट कंट्रीज दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। सो आई विल गिव ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट। सो अभी यहाँ पे हो रहा है फाइनल हेयर वॉश एंड जनरली केराटिन में अगले दिन या 2 दिन के बाद बुलाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अभी तुरंत हो रहा है वॉश। लेकिन यहाँ पे लग रहा है मास्क नॉट शैम्पू, बट स्टिल वॉश हो रहा है। आप नेक्स्ट दिन जाके कभी भी क्या बोलते हैं वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मास्क लगाने के बाद थोड़ी देर अप्लाई करके छोड़ देंगे एंड ये वाला केराटिन का प्रोसेस जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि 2 दिन वाला झंझट नहीं है। सो अभी लगा के थोड़ी देर छोड़ने के बाद जो टेक्नीशियन है आके बालों का टेक्सचर देखेंगे एंड धोने से पहले देखेंगे, जैसे उसको 5 मिनट रखना होता है अप्लाई करने के बाद मास्क को। सो वो टच करने से उनको फील पता लग जाता है, हमको तो पता नहीं कैसे क्या चेक करते हैं, तो वो वही चेक कर रहे हैं टेक्नीशियन अभी कि इसको धोना है या थोड़ी देर और रखना है। तो उन्होंने चेक करने के बाद बोला कि 2 मिनट और रखो एंड यहाँ पे देखिए कोम करके भी देख रहे हैं। सो दीज आर द की पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने, एंड मैं डिटेल में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग केराटिन करवाते रहते हैं ऐसे कुछ ट्रीटमेंट कराने से पहले, ताकि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो यू कैन ऑल्सो टेल देम कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। सो एक इन्फॉर्मेटिव वे में मैं वीडियो बनाती हूँ हमेशा ताकि आप सब लोग के काम आ पाए। अभी हेयर वॉश कर रहे हैं, शैम्पू नहीं लगा रहे हैं, जस्ट मास्क लगाया है। मास्क अप्लाई करने के बाद 5 मिनट रखना है एंड देन उसके बाद वॉश कर देना है, नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट आता है। बाल धुल चुके हैं एंड फाइनली ठंडा वाला ब्लो ड्राई, नॉट गर्म वाला, एंड उसके साथ ब्लो ड्राई करने के बाद इफ़ेक्ट ऐसा आया है जो आप स्टार्टिंग में अपने ग्लिम्सेस देखें, इतना शाइन, इतना स्ट्रेट कि क्या ही बताऊँ। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद द रिज़ल्ट। और आप अगर कराना चाहते हैं तो आप नज़दीक, अगर यहाँ रहते हैं विजयवाड़ा में, तो इस पार्लर के डिटेल सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जो शैम्पू एंड कंडीशनर आपको यूज़ करना है उसके डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। फाइनली केराटिन हो चुका है थैंक्स टू नाजर, काफ़ी अच्छा किया है। टाइम बहुत लगता है अगर आपको केराटिन या कुछ भी कराना है, बट आउटकम काफ़ी अच्छा है। तो एक बार फाइनल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
कार में आ चुके हैं एंड ये है शी एंड शाइन का स्टाफ. तो इससे पहले भी मैं हमेशा सर्विसेज यहाँ से लेती हूँ बिकॉज एवरीथिंग वेल मेंटेन रहता है. आप कहीं जाते हो तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि आपका कंफर्ट जोन में हो, प्राइवेसी हो एंड जो भी आजकल कोविड के इस सीजन में तो हाइजीन ज्यादा मेंटेन करना जरूरी है. तो ओवरऑल बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड सर्विसेज काफी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आई प्रेफर कमिंग हेयर ओनली. तो इनके सारे जो भी डिटेल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए अलॉन्ग विथ मिसेस अरनास फ़ोन नंबर. तो आप फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ कहीं आजू बाजू रहते हैं. ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी ग्रेट सर्विस. चलो सी यू, टाटा बाय बाय. चलो चलते हैं, बाय. आ जाएगा ना, अभी वहाँ जाएंगे तो बुक हो ही गया होगा. इधर है क्या? अच्छा, तो मैंने पता नहीं बताया कि नहीं, मैंने अपनी छोटी वाली कार भी बेच दी है. तो आज हम जो है कैब बुक करके आए हैं, अभी दोबारा कैब बुक करी. तो वेटिंग फॉर द कैब. कैब मैंने बुक करी, कैब आने में जो है कम से कम 15-20 मिनट लगने वाले हैं. तो अपर लिप एंड आईब्रो करवा रही हूँ, इसलिए टाइम का सदुपयोग ऐसे किया जाता है. केराटिन भी हो गया, आईब्रो भी हो गई और अपर लिप भी हो गया, फाइन और फेस वैक्स भी हो गया. क्योंकि बहुत ज़्यादा टैन था तो कैब आने में टाइम हो रहा था, इसलिए फटाफट वो सब फिनिश करा लिया एंड अभी जा रहे हैं हम घर. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ दिस केराटिन. एकदम जैसे स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग कराते हैं ना, वैसा ही लग रहा है, कोई चेंज नहीं लग रहा है. अभी फ्यू वॉशेज के बाद कैसा रहता है दैट आई हैव टू सी. एंड जो प्रिकॉशन आपको केराटिन के साथ लेना है, एक्चुअली 40 वॉशेस तक वो रहता है. आप 40 वॉशेस एक महीने में ख़त्म करते हो, दो महीने में या चार महीने में, वो आपके ऊपर है. क्योंकि जब जब वॉश होता रहता है आपका हेयर, तो उस पर से केराटिन धीरे धीरे निकलता रहता है. एंड केराटिन जो है आप एवरी 3 मंथ्स भी करा सकते हो, लेकिन कॉस्टली होता है, लेंथ के हिसाब से होता है. तो एवरी 3 मंथ्स में वो बजट लगाना भी मुश्किल है. बट अगर आप 40 वॉशेस, अगर आप हफ्ते में दो बार हेड वॉश लेते हो, तब तो आपका केराटिन बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेगा. एंड उसके अलावा मैंने ये जो इसके शैम्पू एंड कंडीशनर है वो भी लिए हैं. ये देखो, ये मैं आपके साथ में घर जाके शेयर करूँगी. क्योंकि जब आप केराटिन कराते हो या रीबॉन्डिंग कराते हो, कुछ भी है, उससे रिलेटेड ही आपको शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम्स यूज़ करने होते हैं. अगर आप वो मेंटेन नहीं करते हो तो जल्दी निकल जाता है. तो मेरा पूरा एक साल तक अच्छे से था. एंड लॉकडाउन में जैसे ही मैं अपने ससुराल गई, वहाँ 2 महीने रह गई, 2 दिन के लिए आए थे, तब मेरा जो शैम्पू कंडीशनर था घर पर भी थोड़ा ही बचा था. तो मैं सोचा चलो आके ऑर्डर करेंगे करके मैं वो भी नहीं लेके गई थी. एंड उसके बाद वो जब मैंने नहीं यूज़ किया तो जो मेरे बाल हैं तब से एकदम फ्रिजी होना शुरू हो गए थे, डैमेज हो गए थे. और अभी तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हालत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने करा लिया. एंड अभी फेस भी काफ़ी साफ लग रहा है. वो क्या बोलते हैं, मैंने फेस वैक्स कराया है. क्योंकि सिर्फ फेस वैक्स से जितना ज़्यादा टैन निकलता है ना, किसी और चीज़ आप कोई भी पैक लगा लो या पील ऑफ से भी अच्छा निकलता है, बट फेस वैक्स सबसे अच्छा है. बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कराना चाहिए, महीने में एक बार ऐसे नहीं कराना चाहिए. मैंने तो साल में एक साल के बाद कराया सब कुछ ही. एंड हाथ की वैक्सिंग हुई, पैरों की नहीं हुई. एंड तो कुछ कुछ चीज़ें रह गई है. अभी नेक्स्ट कब आ पाऊँगी मैं, मुझे पता नहीं. तो जब आए तो जो मैक्सिमम चीज़ें मैंडेटरी चीज़ें थी वो तो हो गई ख़त्म. एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है. और 2-3 दिन में जो हेयर का वॉल्यूम है वो थोड़ा और बम्पी बनेगा. पहला दिन होता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा जो बम्पीनेस नहीं रहता, थोड़ा स्टिकी सा रहता है. और दो वॉश करने के बाद 2 दिन के बाद वो बम्प अच्छा आ जाता है. तो तब आपके हेयर और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो आप मुझे लगातार तो देख ही रहे हैं, तो आपको बिफ़ोर आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो भी है सारे कुछ पता लगेंगे. तो अभी हम चलते हैं घर. एंड घर जाने के बाद आज बच्चों को यही संभाल रहे हैं, 10 बार ही कॉल कर रहे हैं, हो गया नहीं हो गया नहीं हो गया. क्योंकि मैंने सोचा था कि जल्दी हो जाएगा एंड 12-1 बजे तक मैं घर आ जाऊँगी. अभी 6 बजने वाले हैं. क्योंकि जब मैं आई थी तो जो हेयर केराटिन करने वाले भैया थे वो आए नहीं थे,
तो उनके लिए वेट किया एंड वो नहीं आए थे घर के, मैंने वैक्सिंग शुरू करी और वैक्सिंग जब तक हुई फिर उन्होंने वेट किया। तो जो प्रोसेस है 1 बजे कुछ शुरू किया उन्होंने एंड ख़त्म होते होते 4:30 हो गए थे एंड 4:30 के बाद अभी क्या बोलते हैं कैब नहीं मिल रही थी, आधा घंटा तो मैंने कैब ट्राई करी, तो इन सब चीज़ों में ऐसा हो गया। और मम्मी पापा भी सुबह चले गए हैं, तो अभी घर में बहुत सारी क्लीनिंग करनी है क्योंकि 2-3 दिन से तो जैसे आपको मालूम है मैंने स्टॉल लगाया था तो बहुत बिजी था। एंड चलो अभी ये भी वेट कर रहे हैं, चलो देखते हैं अभी जाके घर में चाय बनानी है। यहाँ पर तो मेरे को मैंने चाय पी ली ऑलरेडी, सुबह कॉफ़ी पिलाई थी उन्होंने और अभी चाय पिलाई, अभी घर जाके इनके लिए रखनी है। और खाना बना के मैं आई नहीं थी क्योंकि इन्होंने बोला था कि ऑफिस जाते टाइम छोड़ देंगे, बट जब मैंने बोला कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो इन्होंने बोला चलो घर पे ही रहेंगे वो, फिर वो घर पे क्या है टीवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, नीचे जाते हैं खेलते हैं तो टाइम पास हो जाता है, लेकिन यहाँ अगर पार्लर में लेके आएंगे 1 घंटे के लिए तो ठीक है बच्चे बोर हो जाते हैं, इससे पहले भी मैं लेके आई हूँ। तो अभी फिर जाके क्या बोलते हैं अभी वो लोग पूछने लगे क्योंकि अभी मम्मी पापा भी नहीं है ना, तो रिक्वायरमेंट होती है ना भाई माँ की, तो एंड एक बार मैं आपको दिखा भी रही हूँ शैम्पू एंड कंडीशनर। सो इस ब्रांड का नेम है बार्सिल काकाओ, सो आप इसके ऊपर देख सकते हैं 1 एंड 2 करके लिखा हुआ है और सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है और आपके डैमेज हेयर को भी ठीक करता है। एंड कंपलसरी आपको जब आप केराटिन कराते हो सो आपको मतलब जो भी ब्रांड से आप करवाते हो उसी के शैम्पू एंड कंडीशनर एंड सीरम यूज़ करना है। तो सीरम मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर किया है आने वाला है। सो ये मैंने उनके पार्लर से ही बाय कर लिया था बिकॉज दे हैड दिस अवेलेबिलिटी, सो दिस इज़ द वन। इसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए, आप अगर बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।